प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों और बहनों, मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता है। देश की आने वाली पीढ़ियों को पुरानी चुनौतियों में अपनी ऊर्जा ना खपानी पड़े, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं। एनडीए सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। साथियों, हमारे देश में हमारी सेना को वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी पहले कितने वायदे किए गए थे। कभी देश में वन रैंक वन पेंशन लागू होगा, ये हमारे सेना के जवानों ने आशा छोड़ दी थी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन हमने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन लागू किया, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को उनके हक का 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। साथियों, 3 तलाक के विरुद्ध एक सख्त कानून भी लोगों को असंभव लगता था, आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण भी पहले असंभव लगता था, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज सच्चाई बन चुका है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा, ये भी लोगों को असंभव लगता था, लेकिन आर्टिकल 370 भी हटा है।
जम्मू कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है और इसलिए आज लोग बीजेपी के 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। साथियों, ये मोदी गरीबी से तपकर आज यहां पहुंचा है और इसलिए हर गरीब का दुख, हर गरीब की पीड़ा, हर गरीब की तकलीफ मोदी भली भांति समझता है और इसलिए हमने गरीब की हर चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई। गरीब को इलाज की चिंता न हो इसलिए हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बनाई। गरीब को राशन की चिंता न हो इसलिए हमारी सरकार 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। हमने गरीब को सिर्फ सशक्त ही नहीं किया है बल्कि गरीब को उसका स्वाभिमान हमने लौटाया है। ये हमारी सरकार है जिसने 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले। ये हमारी सरकार है जिसने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है। ये हमारी सरकार है जिसने